आप निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं पार्टी के विरुद्ध में, आपका क्या कहना है? कहना है कि हमको शिवहर का विकास करना है और शिवहर को स्वच्छ और सुंदर आदर्श बनाना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। और भाजपा की यह सीट नहीं हो पाई है शिवहर, जदयू के खाते में चली गई है, लेकिन फिर भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर फिर भी अगर मैं जीतूंगा तो फिर मैं भाजपा में ही रहूँगा। अगर पार्टी आप पर कार्रवाई करेगी तो क्या करेंगे? पार्टी मैं सूचना दे चुका हूँ। पार्टी ने हरी झंडी दे दी है आपको लड़ने के लिए? हाँ, सूचना तो दे दी है, लगभग हो गया है। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा से विकास, शिवहर का विकास करना और शिवहर को जितनी भी जो यहाँ की जो सड़कें हैं गांव की और जो यहाँ कॉलेज की जो भवन है, इसके अलावा जो आपको यहाँ क्या कहते हैं जो रोड की जो व्यवस्था हर गांव की जो है बहुत खराब हो चुकी है, उसको मैं पक्की सड़क बनवाना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है, ताकि आवागमन हो। किसानों को जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आवागमन के चलते, आवागमन नहीं के चलते उनको आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है, और कहीं भी अपना जो भी अनाज होते हैं उनको बेचने में बहुत कठिनाई हो रही है। अगर सड़कें बन जाती है तो उनको कहीं भी जाके इंडिया के किसी भी कोना में जाकर अपने अनाज बेच सकते हैं और उनको बहुत बड़ा मुनाफा होगा, किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। यह मेरा लक्ष्य है।